मिर्जा से हेलो। हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने दौरा किया सिडनी पॉइंट का और आज के इस एपिसोड में हम आ गए हैं महाबलेश्वर के लोकप्रिय टेबल लैंड पर। टेबल लैंड फ्लैट लेटराइट रॉक का एक विशाल विस्तार है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम टेबल लैंड है। यह ज्वालामुखी पहाड़ी का मैदान तिब्बती पहाड़ी के बाद एशिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वतीय मैदान है। यह स्थान पूरे पंचगनी और आसपास की घाटियों का एक सुंदर हवाई दृश्य प्रदान करता है और यहाँ जो नज़ारे आप सुबह की पहली किरण के साथ देखेंगे वो यकीनन लाजवाब ही होंगे। दोस्तों, समुद्र तल से 4500 फीट ऊंचा ये टेबल लैंड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है जो हर साल बड़ी संख्या में प्रकृति के शौकीनों और एडवेंचर के दीवानों को आकर्षित करता है। टेबल लैंड से दिखने वाली चारों ओर की हरियाली, शांत वातावरण और ठंडा हवामान इस जगह को और भी आकर्षक बनाती है। इस जगह में कई गतिविधियां भी है जैसे कि घोड़े सवारी, मेरी गो राउंड, मिनी ट्रेन, फूड स्टॉल और गेम काउंटर भी है जिन्हें आप टेबल लैंड के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही देख पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये टेबल लैंड लोकप्रिय बॉलीवुड शूटिंग स्पॉट भी है। राजा हिंदुस्तानी, मेला, तारे जमीन पर और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी कई फिल्में इस जगह पर शूटिंग की गई है। यह मुख्य पंचगनी बाजार से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है और अगर आप चाहे तो चलते चलते भी आप यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन ये काफी ठीक ठाक रास्ता है और गाड़ी लेकर पहुँचना काफी आसान भी है, जहाँ वाहनों को पार करने के लिए पर्याप्त जगह भी है। दोस्तों, ये पंचगनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। टेबल लैंड महाबलेश्वर में एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है जो लाजवाब पहाड़ियों के लुभावने दृश्यों को देखने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ इसकी सुंदरता देखने आते हैं। दोस्तों, यहाँ आप डेविल्स किचन के साथ राजपुरी की गुफाओं को देख सकते हैं जो पहले पांडवों द्वारा अपने निर्वासन के दौरान अपना भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। टेबल लैंड के ठीक नीचे की ओर एक डाइनर है जहाँ तक आप रोमांचक सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर जा सकते हैं और मजेदार सुरंग के अंदर बनी एक रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं। ये काफी मजेदार एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं
और अगर उन्हें चलने में कोई परेशानी है तो उन्हें सावधानी से नीचे की ओर जाना चाहिए, या मेरा माने तो उन्हें नीचे जाना ही टालना चाहिए। दोस्तों, महाबलेश्वर में टेबल लैंड की यात्रा करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। समय की बात करो तो ये 24 घंटे खुला हुआ है, लेकिन अनुशंसित समय सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। आपको इस टेबल लैंड की सुरम्य सुंदरता का पता लगाने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर लगेंगे। दोस्तों, टेबल लैंड की ईस्ट केव की रेस्टोरेंट में बैठकर गर्मा गर्म मैगी खाने का एक अलग ही मजा है। हालांकि कुछ लोगों को ये डरावना भी लग सकता है। दोस्तों, नवंबर से मार्च तक महाबलेश्वर के टेबल लैंड को घूमना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा और सुहाना रहेगा, जो आपके सफर में आपको बिना थकाए मजेदार और रोमांचक का एहसास बनाए रखेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के इस एपिसोड में मजा आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट टाइम।